Hi everybody! Hi Bachelo. kaise ho sabhi This is Dr. Gitanjali Sharma and I welcome you all back again to Talking Textbooks Kota Live, Leaving No Child Behind. Um, thumbnail liya right so guys, um to uh, I am so very delighted to tell you an amazing announcement which I'm gonna reveal shortly, but before that, um सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले जो लोग भी यहाँ पे मुझे देख रहे हैं आई जिस वोना से अ बेग थैंक यू टू ऑल एवरीबाडी स्टूडेंट्स स्टूडेंट वॉचिंग मी राइट नाउ फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स बुक्स आप ही लोगों ने मतलब इतना स्ट्रेंथन रखा है इसको यू नो यू गाइज द बेस वी आर वर्किंग फॉर डे एंड नाइट एंड ट्रस्ट मी इट्स सच एन अमेजिंग प्रोसेस सो थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट हियर सो गाइज अभी आई एम टेल यू एग्जैक्टली वॉट इज दैट रिविलेशन सो देखो टी टी बी जो है हमारा अब अपग्रेड हो रहा है टू टी टी बी टू पॉइंट ओ एज यू कैन सी हियर राइट so TTB 1.0 is now TTB 2.0 right so bacho dekho agar generally baat karte hain on a regular basis upgrade right like every day there should be one or the other thing which you should always keep on adding some of the other improvements always so that is the only basic uh, motto of the entire team of talking textbooks. that exactly what can we add on more to uh, the entire team so that it facilitates our students as well what can we do more in fact much more.

वो ये है बच्चों कि um, हम लोगों ने जो है कुछ हमारी टीम में डिस्कशंस uh, हुए एंड देन यू नो वी एज यूजुअल हम लोग uh, कुछ कंक्लूजन्स पे आए कि एक्जैक्टली exactly हमें जो है अब टू टी बी में कुछ और एडिशंस करने हैं फॉर द बेनिफिट्स एंड दैट आई एम टेल यू इन द स्लाइड्स लेकिन सबसे पहले uh, हम लोग इनिशिएट करते हैं वहां से जहां से हमारा जो ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है सच लाइक मी स्पेशली आई फील बीइंग अ पार्ट ऑफ इट एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल बीइंग हियर सो देखो टॉगिंग टेक्स बुक्स बच्चों जो है इसकी स्थापना अगर मैं बोलू तो हुई थी डिसंबर ट्वेंटी में एंड आई एम वेरी श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट इट राइट जो लोग नहीं जानते हैं सो इट वॉज इस्टिड इन डिस एंड तब से विद इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम गिव ग्रोथ सो एंड ब्यूटिफुलस आप ही लोगों का उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है राइट बिकॉज यू गाइज आर क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस है थैंक यू सो मच सो दिस बेसिकली टी टीबी इट बिगेन इन डिसंबर ट्वेंटी नॉट ट्वेंटी ट्वेंटी सॉरी डिसंबर ट्वेंटी नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था यह ठीक है सो so, um, उसके बाद से इतने छोटे से टाइम ड्यूरेशन में हमने इतना ज़्यादा ग्रो किया सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सपोर्ट कोर्स उसके अलावा ये है हमारी टीम राइट एंड यू नो गाइज आप सब लोग इनसे पढ़ते ही हो राइट यू लाइक एवरीबॉडी ऑफ यू नोज देम वेरी वेल एंड ऑफकोर्स मी है ना अफकोर्स लाइक मुझे भी जानते हो बायोलॉजी में आपकी लाइक आई एम टेकिंग द बायोलॉजी ऑफ ऑल द क्लासेज फ्रॉम सिक्स टू टेंथ इज एंटेड एंड बाकी यू नो वेरी वेल हु ऑल आर मेंटर्स आर इज एंटेड सो गाइज देखो बहुत छोटे टाइम में since uh, now 2000 started from 2019 to now 2021 we've really uh, grown from a family of 4000 to now 7.5k and plus and of course every day we or aur grow Like a like lot many students are there who have been uh, getting added into this family and it is such such a pleasure to have you guys on board all right so bachcho abhi Um, what I वन अ टेल यू इज कि exactly आज uh, हमारा जो भी ये upgraded एक version है जो टी टी बी टू पॉइंट हुआ एक्जैक्टली इसकी क्या खासियत होने वाली है exactly एग्जैक्टली क्या एडिशनल है तो um, देखो What I want to to tell you is that this time we are going focus mostly on the, and that are your science and the maths Olympiads, right? देखो uh, हम सबको पता है आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे NSO, IOS, IMO, एम ओ एन एस टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो हमारी टीम पहले भी उसके लिए वर्क करी थी लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है उस चीज में थोड़ा सा ज्यादा एनहांस किया है अब बच्चों सबसे पहला बच्चों के दिमाग में जो है ओलंपियाड्स को लेकर आता है दिमाग में ये क्वेश्चन कि यार ओलंपियाड्स क्यों वाई टू इवन पार्टिसिपेट इन देम सच अ बर्डन यार एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है ये वो दिस सो लेट इज जस्ट क्लियर दी स्कूल एग्जामिनेशन एंड गो फॉर इट इज इट तो बच्चों देखो स्कूल एग्जामिनेशन जो है वो तो हम सब लोग वैसे भी पास आउट कर लेते हैं एंड सी Obviously, passing of the school is very much important. अपना uh, वहाँ पर भी अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है right? Uh, we should be, uh, you know, passing them with फ्लाय एंड colors as well लेकिन हमारे में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं like आप लोग जो मुझे देख रहे हो कुछ लोग उसमें से भी ऐसे होंगे those who, who people who really aim for something extreme in their lives, isn't it? Like बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं who uh, aim for IITs, some aim सम एम फॉर योर मे बी नीट किसी को डॉक्टर बनना है किसी को इंजीनियर बनना है सम बड़ी टू यू पी एस सी

साइंटिफिक एप्लीकेशन लॉजिकल रीजनिंग राइट ठीक है फंडामेंटल्स ओवरऑल आपके कितने स्ट्रांग हैं वो ये एग्जाम्स बेसिकली ये ओलंपियाज टेस्ट करते हैं यानी कि ये एग्जामिनेशन जो है अल्टीमेटली जिनके बारे में मैंने भी बताया इफ समी एनी बडी ऑफ यू आई एम डेफिनेटली श्योर मेनी ऑफ योर एमिंग फॉर समीज एक्सेट्रा 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 जो मैंने अभी बताया राइट right? तो उन सारे एग्जाम्स में बच्चों सीधा रिकॉल क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी भी वी नो दैट वेरी वेल ठीक है दे आर गुड लेवल एग्जामिनेशन एंड उनमें वही लोग क्लियर आउट कर सकते हैं हु हैव रियली फॉर देम लाइक एनीथिंग राइट अब वो प्रिपेरेशन का जो बेस है वो कहां से आता है तो वो आता है इन्हीं ओलम्पियाड से गेटिंग माई पॉइंट जितने साइंस एंड मैथ्स ओलंपिया हैं और देखो जितना अर्ली स्टार्ट कर लोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है इज इट तो एक बात आपने सुनी होगी बचपन में यानी कि वेन यू नो वी आर इन टीन एजेस एंड लाइक दैट राइट बिफोर वी बिकम एक्चुअल अडल्ट जब तक हमारा जो है दिमाग खराब होने लगता है कि ठीक है यानी कि हम अडल्ट बन जाते हैं उससे पहले तो वहां पे उस टाइम पे आर ब्रेन इज एक्सट्रीमली एक्टिव गेटिंग माय पॉइंट तो बच्चों एक्टिव जितना होता है जैसा बचपन में होता है ना हर चीज को जानने की इच्छा जैसे आपने किसी uh, टॉडलर को देखा होगा बच्चा राइट सो दे आर लाइक सो मच क्यूरियस टू नो वाई बिकॉज दे आर ब्रेन इन टू ब्रेन इज इंटू दैट स्टेट इन दैट फंक्शनल एरिया कि उसको सब जानना है वाई बिकॉज इट्स डेवलपिंग इज इट तो जितना स्ट्रांग बेस बच्चों आपका अपनी इनिशियल प्राइमरी क्लासेस में बनता है ना उतना बाद में नहीं बनता है

देन एन एस ओ एंड आई ओ एस तो इनका बेसिक एम इन ओलंपिया का होता है साइंस एंड मैथ्स विच आर दी मोस्ट कोर सब्जेक्ट्स विच दे लुक अप टू राइट अब इनके अंदर जो इनका एक मेन क्राइटेरिया होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये है बच्चों की आगे की आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है विच आर गी वेरी एक्सट्रीम लेवल्स लाइक अगेन मैंने बता दिया बार बार मैं नाम रिपीट नहीं करूंगी ठीक है तो उनके उनका जो क्वेश्चन पैटर्न होता है उससे ये थोड़ा सा अलाइंड होते हैं राइट सो दे डेवलप दैट क्रिटिकल थिंकिंग दे चेक कि आपका लॉजिकल रीजनिंग कैसा है आपका क्रिटिकल थिंकिंग कैसा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका किसी चीज को साइंटिफिक अप्रोच कैसा है अगर आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है तो ध्यान रखना आप उसमें किस तरीके से एक्सेल कर सकते हो राइट हाउ डू यू सॉल्व आउट दैट क्वेश्चन So, ये चीजें हमारी यहां पे बनती है ओवरऑल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं वो इन ओलंपियाड्स के थ्रू डिसाइड होता है गेटिंग माय पॉइंट डिसाइड इन द सेंस बेसिकली यार देखो खुद का हमें एक चीज पता चलती है कि हमें कहां इंप्रूवमेंट करना है ठीक है जिससे कि हम आगे जिस भी एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं हम उसमें एक्सेल कर पाए गेटिंग माई पॉइंट तो आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है अगर वो चीज स्ट्रांग है तो उस अगर आपने मान लो कि सिक्स सेवन्थ एट जिसमें भी आपने जिस भी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया अगर आप रेगुलर पार्टिसिपेंट हो अपने हर आ, किस में क्लास में ठीक है तो क्या होता है बच्चों इन ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेशन के थ्रू आपका एक वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाता है ठीक है कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग होता जाएगा तो क्या होगा आप जैसे जैसे क्लासेस में अपग्रेड करोगे पहली बात तो ये कि यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग अ लेवल अप देन दी अदर पीयर्स राइट right? है ना अपने साथ के जो बच्चे जो सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन फाइट कर रहे हैं या फिर एनी वो उनका अपना चॉइस है इट्स ओके okay. ठीक है है ना भाई जो ज्यादा एम करता है वो तो ऑब्वियसली एडिशनल करेगा ही करेगा राइट right? एडिशन तो करना ही पड़ेगा कंपटीशन ही ऐसा है राइट right? तो आप पहली बात तो एक हायर लेवल पे स्टैंड करते हो दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि यू you नो know, आगे जाके बच्चों जैसे सब्जेक्ट का वो जो एक फोबिया है ना वो आपके अंदर नहीं रहता बिकॉज यू आर क्लियर विद योर यू आर वेरी क्लियर विद योर बेसिक्स योर फंडामेंटल्स आर एब्सोल्यूटली अमेजिंग तो क्या होता है दैट um, uh, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपका यहां पे वो एक बेस स्ट्रांग होता चला जाता है यू गेट टू नो एग्जैक्टली वॉट द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट इज इवन कैसे आपको उस एग्जाम को फाइट आउट करना है हाउ टू सॉल्व दो क्वेश्चन तो आप जरा सोचो कि अगर इसकी प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा बेसिक क्लासेस से कंटिन्यूअसली करते चले जाते हो करते चले जाते हो करते चले जाते हो ड मैटर आप उसमें आगे यू you नो know, हार जीत तो बच्चों देखो बात की बात है लेकिन पार्टिसिपेशन से कम से कम आपका बेस तो बन रहा है इज इट ठीक है उसके बाद जब एग्जामिनेशन पे आप बैठते हो ना तो आपके लिए ये घोस्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं बिकॉज वी वेरी वेल नो यार ये तो नहीं पूछेगा कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप आई आई टी एस के लिए बैठे हो वन प्लस वन कितना है या यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड बायोलॉजी के क्वेश्चन अगर आप ले रहे हो नीट के लिए कि अच्छा बताओ आ, कितनी मसल्स हमारी बॉडी में लाइक like दैट नहीं हमेशा थोड़े से उलझे तिरछे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसी से आपकी नॉलेज चेक होती है उसका बेस बनाते हैं क्या ये ओलम्पिया ठीक है सो बच्चों इस साल आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा मेन फोकस जो है वो आपका उसी फाउंडेशन बनाने के ऊपर है बिकॉज वी रियली वॉन्ट कि इतना ब्यूटिफुली जो आप लोग परफॉर्म किए हैं ऑलरेडी हमारी टीम के साथ लाइक वी गॉट सच ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच किडोस फॉर बींग अ पार्ट या दिस इज सच अ फन हैविंग यू गाइज क्योंकि देखो आप लोग अच्छा पढ़ते हो तो हमें पढ़ाने में और ज्यादा मजा आता है इजेंटेड आप लोग डाउट्स पूछते हो फॉर टॉक पर्टिकुलरली अबाउट बायोलॉजी लाइक ऑब्वियसली आई टेक बायोलॉजी है ना सो so, uh, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है एवन पीपल आर आस्किंग डाउट्स एंड कंस्टेंटली यू नो मुझे uh, बोलते रहते हैं मैम ऐसा क्यों वैसा क्यों तो सी दिस इज वॉट यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दैट क्रिटिकल थिंकिंग इन यू राइट सो आप समझ लो आप अपने बिल्कुल डेस्टाइंड पाथ पे हो राइट right? सो so, अभी मैं बिल्कुल थोड़ा सा uh, ये एग्जामिनेशनस के बारे में आपको ये ओलंपियाड्स के बारे में थोड़ा सा यू you नो know, बहुत बेसिक बताऊंगी राइट भाई आ, आ, इसके लिए अप्लाई क्यों करना है वो मैंने आपको सारी की सारी रामायण यहाँ पे बहुत अच्छे से बता दी है ना और वो जरूरी भी है तो ध्यान रखना ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बहुत बेसिक यहां पे क्योंकि इस ही सीरीज में हम लोग आपके लिए इन सारे ओलंपियाड्स के बारे में एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर हाउ टू यू नो पार्टिसिपेट इन देम इसका क्या स्कोप हो सकता है कारिकुलम क्या होता है एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसके बारे में हमारे सारे जो भी फेलो मेरे फैकल्टी मेंबर्स हैं ऑल माई अमेजिंग फ्रेंड्स या हु आर ऑफकोर्स ऑलरेडी टीचिंग यू गाइड जिनसे आप पढ़ रहे हो ठीक है सो वो लोग आपको और डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे सो so, यहाँ पे साइंस ऑलम्पियाज के बारे में हम टेल यू लिटिल बेट सो so, बच्चों देखो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले एन एस टी एस सी की तो देखो तीनों ही एग्जामिनेशन का बेसिक होता है कि आपके फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए राइट right? क्लियर होने चाहिए यही ये सारे ओलंपिया एम करते हैं क्योंकि एज आई टोल्ड यू आगे का आपका बेस है बना रहे हैं तो फंडामेंटल्स के ऊपर ये फोकस करते हैं ठीक है सो so, नेशनल टैलेंट सर्च साइंस एग्जामिनेशन राइट सो योर NSTSC, okay? It is con ओके इट इज इट इज कंडक्टेड बाई यूनिफाइड काउंसिल ठीक है तो anyways आप जब इंटरनेट पे भी ऑनलाइन जाओगे तो आपको सारी information मिल जाएगी ठीक है बच्चों इसका भी अगेन फोकस है साइंस एंड मैथ्स एज ए स्कोर सब्जेक्ट लेकिन इसकी यार एक बात है इस ओलंपियाड uh, की जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो ये कि you know ये आप ही की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एक बहुत अच्छे ग्राफिकल manner में बताता है राइट मतलब दे डोंट एम ऑन कंपेरिजन बिटवीन द स्टूडेंट्स रेदर देन दे वुड एम एट करेक्टिंग योर ओन मिस्टेक्स राइट तो अगर इफ इर अपियरिंग फॉर दिस ओलंपियाड व्हाट यू विल गेट इज कि आपको अपना ही एक डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में ठीक है कि एग्जैक्टली आपने कहाँ पे मिस्टेक किया ठीक है नाउ इफ आई टेल यू अबाउट दी अ लिटिल बिट अबाउट कि भाई क्या क्या आता है तो देखो इसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे ठीक है साइंस से आएंगे फिर एक अचीवर सेक्शन आता है ठीक है तो ये जो है आम... स्ट टू ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स तीनों ही ओलंपियाड्स में इट द सेम राइट एन एस टी एस सी एक लेवल में होगा ये दोनों दो लेवल में होंगे ठीक है यह चीज हमें पता है और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आगे बताएंगे लेकिन दी बेस्ट पार्ट इज की भाई फर्स्ट टू ट्वेल्थ के स्टूडेंट कैन अपियर एंड ऑब्वियसली जो विनर होता है अब यार ये हो जाता है ना कि यार ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट क्यों करें देखो अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो यू नो आई वुड ऑलवेज लव टू बी रिवॉर्डेड इफ आई एम डूइंग समथिंग गुड तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी राइट right? तो सब में जो है अगर आप पार्टिसिपेशन भी दे रहे हो ना बच्चों तो एटलीस्ट यू आर गेटिंग अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ठीक है वो सब में होता है right? lifelong, और राइट एंड दो सर्टिफिकेट वुड हेल्प यू लाइफ लॉन्ग ठीक है और ये आपको आगे समझ में आएगा जब अपनी क्लासेज में अपग्रेड हो गए ना कॉलेज में आगे एडमिशन लोगे यूल गेट टू नो दैट वाई दीज आर इंपॉर्टेंट राइट और हाँ अगर जीत गए ठीक है तो भैया एन वाले को तो दो लाख का सीधा कैश प्राइज ठीक है तो यू नो गेट रेडी टू गेट माला माल तो यार वो भी है ठीक है मेडल्स आपको मिलते ही हैं ठीक है सर्टिफिकेट्स आर बीइंग गिवन कैश प्राइजेस होते हैं लॉट मेनी थिंग्स और राइट एंड कोर्स देखो यार क्योंकि अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं कुछ किसी में बहुत मेहनत कर रही हूँ है ना मेहनत के बाद मुझे फल के रूप में अगर ये सब मिले मेडल्स मिले अगर मैं रिवॉर्ड मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है राइट तो बच्चों सेम होता है इसमें भी है ना एन एस टी एस सी में इलेवन वी नो दैट सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं तो ठीक है तो एक अचीवर सेक्शन आपका रहेगा रहेगा ही फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है बाकी मैथ्स एंड बायो के अलग सेक्शन अब नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं ड्यूरेशन क्या होगा अप्लाई तो देखो एन एस टी एस सी की अपनी ही वेबसाइट पर होता है ठीक है फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है उसके बारे में अगेन डिटेल एनालिसिस मैं आपको दूंगी ठीक है हमारे आगे वाले वीडियोज में एंड सिमिलरली गोज विद योर नेशनल साइंस ओलंपियाड विच इज कंडक्टेड बाय योर

ठीक है दे लाइक दे आर मेन फोकस इज ऑन मैथ्स एंड साइंस एंड आईओ एस में भी जो है आपका मैथ्स इन साइंस ही है ठीक है एनएसओ आपका लेवल वन एंड लेवल टू पे होगा हाँ एन एस ओ एंड आईओ एस जो है आपके स्कूल्स में हो जाते हैं एग्जामिनेशन ठीक है सो so, अगर अब मैं बात करूं पर्टिकुलरली एन एस ओ की सो यू नीड टू अप्लाई थ्रू योर स्कूल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये कि तीनों का ही सिलेबस जो है दैट इज इन लाइन विद योर बोर्ड्स दैट इज सेंट्रल बोर्ड सी बी एस ई आई सी एस सी या फिर स्टेट बोर्ड्स जो हैं ठीक है उसके अलाइन में ही होता है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसको पढ़ने में समझ रहे हो और उसके अलावा जो आईओ एस है दैट इज योर इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर साइंस इसमें बस एक चीज एडिशनल है दैट इज योर अप्लाइड साइंस ओके बाकी सब के सब जो है इसमें भी सेम रहता है ठीक है तो ये बच्चों थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था अब जैसे अगर मैं बात करूँ आईओ एस का थोड़ा सा और तो देखो अगेन फर्स्ट टू ट्वेल्थ फर्स्ट टू ट्वेल्थ फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ठीक है है ना एन एस टी एस सी में तो कोई लेवल वन टू होता नहीं है ठीक है बाकियों में लेवल वन टू होगा ठीक है ओके सो इसके बारे में और लेवल्स के बारे में और डिटेल स्टडी हम आगे देखेंगे हमारी आगे वाली वीडियोज़ में यार मतलब मेरे बाकी जो फेलो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे यू नो दे आर लाइक आई थिंक मैथ्स में तो स्पेशली केमिस्ट्री फिजिक्स में दे आर मच मोर नॉलेजेबल देन मी तो वो लोग आपको थोड़ा ज़्यादा गाइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सो फॉर दिस सीरीज वी आर गन अम अप विथ सच मोर वीडियोज ऑल राइट तो हाँ बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है इनके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्यों पार्टिसिपेट करना क्या होता है ठीक है एंड वॉट आर ऑल आर यू गेटिंग्स हो देखो कैश प्राइजेस मेडल्स सर्टिफिकेट्स सब में होता है ठीक है उसके अलावा बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है खुद का एक फाउंडेशन स्ट्रांग करना है ना तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाता है ठीक है तो जो लोग भी जो लोग भी आ, एम कर रहे हैं आई के लिए नीट के लिए एंड आगे के एग्जामिनेशन के लिए वो तो स्पेशली इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना ठीक है और अगर आप रेडी हो सो द टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स बुक्स इज ऑलवेज 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 रेडी फॉर यू गाइज एंड इस साल तो हम और ज्यादा वर्कडअप हैं टू मेक दैट बेस लेकिन अब हम बात करेंगे ये तो बद, बच्चों देखो साइंस ओलंपियाड्स की बात हो गई अब हम बात करेंगे हमारे मैथ्स ओलंपियाड्स के बारे में ठीक है लेकिन ऑब्वियसली सिंस आई बिलोंग टू बायोलॉजी यार मेरा तो स्ट्रीम ही अलग है तो मैथ्स बहुत ज़्यादा तो नहीं आती है मुझे बहुत ज़्यादा नहीं सो लेट्स जस्ट कॉल अपॉन यर टू द वेरी ब्यूटिफुल एंड अमेजिंगली टैलेंटेड आप सब जानते ही हो अदिति मैम को अदिति मैम प्लीज़ कम योर ठीक है तो so, ये आपको अभी मैथ ओल्पियाज के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगी मैम प्लीज़ यस मोस्ट वेलकम मैम थैंक यू थैंक यू सो मच सो मैम ने मेरा बहुत ही अच्छा वेलकम किया मैं बहुत खुश हूँ इस बात से बट नन द लेस सो टू पॉइंट 2.0 टी टी वी टू पॉइंट जैसे मैम ने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है सो टू पॉइंट ओ के अंदर यही स्पेशल है दैट वील बी डूइंग मतलब जो हमारा फोकस होगा वो बहुत ज़्यादा ओलंपियाड पे होगा सो यू कैन सी इट आई एम ओ आई ओ एम जिसके बारे में हम लोग स्टडी uh, करेंगे जिसके पी वाई क्यूज जो होते हैं वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे डाउट क्लासेज होंगी इन सबका का इंफॉर्मेशन लाइक वील ग्रेजुअली गिव इट टू यू वो सब आपको पता लग जाएगा एंड अब ये इसके बारे में भी डिटेल्स जो स्ट्रक्चर होगा या कितने क्वेश्चंस आते हैं क्या सिलेबस रहता है ये सब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस ऑफ कोर्स लेकर के आएंगे यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बता दूँगी कि ये जो दोनों एग्जाम्स होते हैं एक कंडक्ट करवाता है सिल्वर जोन और एक कंडक्ट करवाता है वो आपको भी पता लगता है एस ओ एफ राइट सो हम इसकी वेबसाइट जो है वहां पे जाकर के एक देख लेते हैं देखो ये तो होगी एस ओ एफ फॉर आई एम ओ अब यहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है वी कैन सी इट है राइट हाउ टू पार्टिसिपेट आई एम ओ अवार्ड्स वगैरह एग्जाम की डेट शीट्स क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री वी विल गेट एवरीथिंग सारा नॉलेज जो है वो हमें यहाँ मिल जाएगा बट देन डोंट वारी नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऑब्वियसली करेंगे जिसमें हम और uh, इसके बारे में जानेंगे एंड आई एम ओ का भी यहाँ पर है सी ही सिल्वर जोन सो दिस इज यार आई ओ एम इसके बारे में भी जो भी आईओ एम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कौन सा कौन सी क्लासेस के लिए कितने क्वेश्चन आते हैं क्या सिलेबस होता है एंड ऑफ कोर्स उसी के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे पूरी सो स्टे यून चिल्ड्रन जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड मतलब इसका क्या स्कोप रहता है ये एग्जाम्स के लिए हमें क्यों पढ़ना है कैसे पढ़ना है उस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सो so, अब मैं मैम को दोबारा दे देती हूँ आगे की जो बातें हैं वो मैम आपको बताएंगी इसके आगे तो ओवर तो टू मैम थैंक यू सो मच अदिति मैम शी इज एन अमेजिंग मैथ्स टीचर ऑफ कोर्स आई मस्ट से गाइज जो लोग पढ़ते हो वो लोग तो जानते हैं पार्ट शी इज एन अमेजिंग फ्रेंड ऑफ मी एज वेल सो यू नो मुझे नहीं लगता कि मैथमेटिक्स का इससे अच्छा इन्फॉर्मेशन कोई और दे सकता है लेकिन अफकोर्स आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू स्टेट यून क्योंकि आगे शी अलॉन्ग विद आपके एक और जो मैथ्स टीचर हैं जिनको आप जानते हो डेफिनेटली लोकेन्द्र सर वो और अदिति मैम आपको एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताएंगे इनका ठीक है सो गाइज ऑफकोर्स ये ओलम्पियाज वाला एक पार्ट जो हमारा टी टी बी टू पॉइंटों का एक फैक्टर है जिसको हम लोग यू नो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रख रहे हैं बिकॉज यहां पे हम बहुत ज्यादा वर्क करने वाले हैं उसके अलावा जैसा कि मैम ने आपको बताया है कि और क्या फीचर है उसमें एक ये है कि दिस टाइम वी आर गो नीवाइ क्यूज दैट इज प्रीवियस क्वेश्चन सिंस अगेन वो आपको एक आइडिया देते हैं प्रैक्टिस देते हैं राइट right? कि एग्जैक्टली exactly क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और राइट right? तो वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं ठीक है वो भी हम आपको लेकर आएंगे देन लाइव डाउट सेशन एज वेल सो यस गाइज आप देखो कितना सिंप्लीफाई कर दिया यार मतलब वाओ राइट सो अंड सी गाइड्स दिस इज समथिंग वेरी वेरी जनरल फॉर अस ठीक है बिकॉज देखो टीटीबी का मेन मोटो ही यही है कि यार जितना हो सके हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट प्रोवाइड कर सके राइट सो दैट इज आर मोटो राइट एंड दैट इज आर लोगो एज वेल दैट इज लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड है ना सो so, um, एक और बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन वो है कि फ्रॉम फेब वी आर स्टार्टिंग आर न्यू सेशन और राइट और देखो सेशन uh, हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है सब कुछ नया 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 जो भी हमारे एडेड फैक्टर्स है वो भी हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे ही ऑफकोर्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सो यू नो आई डोंट नो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस इतने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे वापस से यू नो वापस से क्लासेस पी वाई क्यूज लाइव सेशन इन बी सुपर फन एंड लेट्स नॉट उगेट मेकिंग योर यू गाइज बेसिस जिससे यू नो आप लोग उन एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर सको बगअप कर सको सो so, बच्चों मैं वापस यही बोलूंगी किसी भी चीज़ से घबराने से बेटर होता है उसको फेस करना क्योंकि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं ना वही चीज हमें आगे जाके स्ट्रांग बनाती है समझ रहे हो तो इसलिए अपने बेसिक्स अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है अपने फंडामेंटल्स को एब्सल्यूटली स्ट्रांग रखना है आगे वाले एग्जामिनेशन के लिए सो स्टे ट्यून्ड विथ टी टी वी एंड ऑफकोर्स फिफ्टीन फेफ से जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो है सेशन uh, Is gonna start 15 Feb 2021 से हमारा नया से एक और इन्फॉर्मेशन वो ये है कि फ्रॉम फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन से जो आपकी अभी जो फीस है उसमें थोड़ा सा हाइक होने वाला है ठीक है सर so ये भी एक और इन्फॉर्मेशन थी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइट टू नोट एंड दैट इज की फर्स्ट मार्च से वे गोना कीाइक ठीक है यार अपग्रेड हो रहे हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सेंस यू नो हम लोग वैसे भी एनी हमारा जो भी सिस्टम है उसको भी हमने ओवरऑल अपग्रेड किया है तो ऑब्वियसली लिव विट हाइक इन द फी वुड फी स्ट्रक्चर वुड बी देयर जिसके बारे में एक और डिटेल वीडियो आई एम गॉन कम अप जस्ट राइट आफ्टर दिस वीडियो सो स्टे ट्यून्ड ऑफ कोर्स एंड यू विल गेट दी एंटायर इन्फॉर्मेशन नॉट टू वरी बिकॉज उसमें बच्चों वही है कि यू नो फी हाई इज फॉर द पीपल वुड डिले पोस्ट दैट टाइम पीरियड ठीक है फर्स्ट मार्च से पहले पहले जिसने एनरोल किया उसको uh, मतलब जो बेसिक हमारे पैकेजेस हैं वही उसी के लिए पे करना है बट अगेन डू नॉट वरी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स जो है आपके लिए सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन वापस से लेकर आएगा एंड आई एम एन एंड दन सपोज टू प्रोवाइड दैट टू यू सो आई विल कम अपनादर वीडियो जिसमें मैं सारा डिटेलिंग आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी सो डोंट वरी कि कैसे आपको एनरोल करना है क्या करना है एंड अगर उसी प्रीवियस प्राइस पे आपको वापस से पैकेज सब्सक्राइब करना है तो आपको क्या करना है ठीक है सो गाइज दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच ऑल द किडोज लोड्स ऑफ लव लाफ्टाइज फ्रॉन दर टीम ऑफ टी टी बी एंड मतलब बच्चों में क्या बताऊँ इट सच अ प्लेजर फॉर हैविंग लाइक हैविंग यू गाइज यर बिकॉज आप ही लोग तो बेसिस हो हमारा यार हमारी मतलब मोटिवेशन आप लोगों को मतलब आप लोग होते हो आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इवन वी फील लाइक यू नो वर्किंग लाइक एनीथिंग डे एंड नाइट एंड

प्राइस हाइक्स के बारे में भी लोगों को पता चल जाए ठीक है अगर एडिशनल किसी को नहीं देना है फी तो फर्स्ट मार्च से पहले हमारे साथ एनरोल हो जाए जिसका वीडियो वापस मैं लेकर आ जाऊंगी और उस वीडियो को अगर आपको और डिटेल में पता करना है ना एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है सो so, यू नो एंड गोइंग टू टेल यू अबाउट हाँ एक चीज़ और बताना चाहूंगी दैट इज दी होमवर्क ट्रैकिंग मैकेनिज्म ठीक है हमारे पास वो भी uh, कुछ कुछ हमारा एडिशन है मतलब यार 2.0 में ना बहुत कमाल की चीज़ें हैं ठीक है ठीके? तो उसके ऊपर मैं वापस एक वीडियो लेके आऊँगी एंड इफ यू डो नॉट वॉन्ट टू मिस दैट वीडियो इसको हिट कर देना डू हिट दैट बेलाइकिन एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा एन आल सी यू लीडर बाई टेक केयर